हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ नई जॉब की जानकारी जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा निकाली गई है। इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और फॉर्म भरने के बारे में बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में डिटेल में। पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स की वैकेंसी है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए इसमें एक वैकेंसी है ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए, और डिप्लोमा के लिए कोई नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग की बीटेक पास के लिए 3 वैकेंसी और डिप्लोमा पास के लिए 5 वैकेंसी है। वहीं पर कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन की बीटेक पास के लिए 4 वैकेंसी और डिप्लोमा के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बीटेक पास के लिए टोटल 43 वैकेंसी है और डिप्लोमा पास के लिए 24 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए बीटेक पास के लिए 3 वैकेंसी और डिप्लोमा पास के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 13 वैकेंसी बीटेक वालों के लिए है और डिप्लोमा पास के लिए 2 वैकेंसी है। वहीं पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएट पास के लिए 7 वैकेंसी है। वहीं पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बीटेक पास के लिए 1 वैकेंसी है और इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी के लिए बीटेक वालों के लिए 1 वैकेंसी है। वहीं पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें 60 वैकेंसी है ग्रेजुएट पास के लिए और डिप्लोमा के लिए 40 वैकेंसी है। और अगर मेटलर्जी की बात करें तो इसमें 2 वैकेंसी है बीटेक वालों के लिए, डिप्लोमा के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए केवल डिप्लोमा इंजीनियरिंग की 20 वैकेंसी है। टोटल इसमें जो ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए 138 वैकेंसी है और डिप्लोमा इंजीनियर के लिए 91 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए कैंडिडेट को 70% अंकों के साथ बीटेक या बीई पास होना चाहिए। वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट को कम से कम 60% अंकों के साथ बीई या बीटेक पास होना चाहिए। वहीं पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट को रिलेवेंट फील्ड में डिप्लोमा पास होना चाहिए तथा दोनों इंजीनियरिंग के लिए डिस्टेंस और करेस्पॉन्डेंस कोर्स जो है एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने डिस्टेंस किया है तो आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। वहीं पर अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की एससी की 23 वैकेंसी है, एसटी की 10 वैकेंसी है, ओबीसी की 36 वैकेंसी है, अनरिजर्व की 69 वैकेंसी है, टोटल 138 वैकेंसी है। वहीं पर डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात करें तो एससी की 14 वैकेंसी है, एसटी के लिए 18 वैकेंसी है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 है। वहीं पर अनरिजर्व के लिए 46 वैकेंसी है और टोटल 91 वैकेंसी है। अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इसका फॉर्म भरने की डेट 13 मार्च 2020 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है 3 अप्रैल 2020 है। आप इससे पहले फॉर्म को जरूर फिल कर दें। और अगर सैलरी की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस को जो है 9,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। वहीं पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 8,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। डिटेल में जानने के लिए मैंने इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म को कैसे फिल करना है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।